ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बीते 2-3 दिनों से आयुष्मान खुराना लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी एक पुरानी क्लिप अचानक से वायरल हो गई है, उसी के चलते उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। वायरल क्लिप में आयुष्मान दिल दिल पाकिस्तान गाना गा रहे हैं। कुछ लोगों को लगा कि ये नया वीडियो है, वो लिखने लगे कि आयुष्मान कुछ दिन पहले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे, उसके बाद ये गाना गा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो अभी का नहीं है बल्कि 6 साल पुराना है। अभी अचानक से क्यों काटकर शेयर किया जा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वीडियो में दिख रहा है कि आयुष्मान एक मंच से दिल दिल पाकिस्तान गाना गा रहे हैं, उनके साथ एक सिंगर और भी मौजूद है। कुछ लोगों ने इस पर लिखा कि वो आतिफ असलम के साथ स्टेज पर गाना गा रहे थे। उसके बाद आयुष्मान के लिए हर किस्म की भद्दी बात लिखी गई। किसी ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया तो किसी ने पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसके बाद बॉयकॉट वाली मांगे उठने लगी। धड़ाधड़ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, बस उसके पीछे की कहानी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। पहली बात तो ये कि आयुष्मान के साथ स्टेज पर उनके भाई अपार शक्ति खुराना मौजूद है। साल 2017 में दुबई में एक कॉन्सर्ट हुआ था, वायरल वीडियो क्लिप उसी से निकाली गई है। सेल्फी टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने आयुष्मान की परफॉर्मेंस का वीडियो अपलोड किया था। वहां दिखता है कि आयुष्मान देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए गाना गाते हैं। इसमें बंगाली, पंजाबी और साउथ इंडियन लोग शामिल हैं। उसके बाद वो दिल दिल पाकिस्तान गाना गाते हैं। ये गाना खत्म होने के बाद दोनों भाइयों ने चक दे इंडिया का थीम सॉन्ग गाया। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान आयुष्मान ने पहली फिल्मों के गाने भी गाए थे, उन्हीं में से एक विकी डोनर का गाना पानी दा रंग भी था। हालांकि उनकी पूरी परफॉर्मेंस से सिर्फ दिल दिल पाकिस्तान वाला हिस्सा निकालकर शेयर किया गया। उसके बाद गाए चक दे इंडिया से ज़्यादातर लोगों को मतलब नहीं था। इस मामले पर चाहे कितनी भी फैक्ट चेकिंग हुई हो, बता दें कि अभी तक आयुष्मान को ट्रोल किया जा रहा है। उनकी या उनकी टीम में से किसी की तरफ से इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं मनीषा, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।